ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते कभी चिलचिलाते तेज धूप निकल रही है तो कुछ ही देर में बारिश हो रही है, यहां तक कि ओलावृष्टि भी हो रही है। ये बदलता मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डाल रहा है। यही वजह है कि सोलन के अस्पतालों में इस बदलते मौसम में शिकार हुए मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोलन में मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते कभी चिलचिलाती तेज धूप निकल रही है तो कुछ ही देर में बारिश हो रही है, यहां तक कि ओलावृष्टि भी हो रही है। ये बदलता मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डाल रहा है। यही वजह है कि सोलन के अस्पतालों में इस बदलते मौसम से शिकार हुए मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसी को खांसी सता रही है तो कुछ को तेज बुखार हो रहा है। इस मौसम से केवल सावधानी से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए चिकित्सक कमल अटवाल ने बताया कि मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते लोग कई तरह की रोगों की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गर्म कपड़ों को त्याग कर एकदम ठंडे कपड़े नहीं डालने चाहिए। अगर हम स्वेटर जैकेट्स को छोड़कर पतले कपड़े पहनेंगे तो हमें सर्दी जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए इस मौसम में हमें साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए और साथ ही हाथ मिलाना छोड़ देना चाहिए। अगर इस मौसम में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कम जाया जाए तो भी हम रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। मौसम बदलने के साथ एक तो पहले हमें ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि मौसम जिस तरह का, यदि ठंडा मौसम हो रहा है तो एकदम क्लोथिंग हमको एकदम चेंज नहीं कर लेनी चाहिए। मान लो आप ठंड से एकदम गर्मी हुई है तो कई बार क्या होता है, आप एक दिन तो आप दो स्वेटर डाल रहे हो और दूसरे दिन आप टी शर्ट में घूमने लगे, तो उस तरह से अपने क्लोथिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको धीरे धीरे जो है क्लोथिंग जो है वो कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए मौसम के हिसाब से, ठंडा या गर्म जैसे भी हो रहा है, तो वो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। दूसरा जो है, यदि ठंड ज़्यादा है और अब गर्मी का मौसम जैसे जैसे आ रहा है तो अब आदमी को इसमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अब पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेट अपने आप को करें। वायरस के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो है कॉन्टैक्ट कम से कम रखें, बार बार हाथ धोएं, ज़्यादा भीड़ वाले एरिए में ना बार बार जाएँ, और यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो मास्क डाल के रखें, डॉक्टर को जल्दी दिखाएँ, कोई भी जुकाम खांसी बुखार तेज पे जल्दी दिखाएं और सड़क पे ना थूकें।